अस्सलाम दोस्तों, मैं कहता हूँ आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का दिन भी बहुत सैड हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारा गोल्डन बफ जो मुर्गा था ना वो मर गया, मर चुका है। उसे अब देख खाते हैं आपको, सारी मुर्गी हमारी बीमार है। दो तीन तो हमने किसी भाई को दे दी, और एक जो हमारा फैंसी मुर्गा था गोल्डन, ये एक्सपायर हुआ पड़ा है। इसे अब भाई जाकर दफनाते हैं। ये वाली मुर्गी यही बीमार पड़ी है, हमने इनको ना अलहदा बंद कर दिया। और दो ये कुछ ठीक थे, ये दो सीर मुर्गी इनको अलहदा बंद कर दिया। दो तीन मुर्गे ठीक है, और जो ये देसी चिकन था एक एक ठीक है, सिर्फ तीन चार मुर्गे ठीक है, बाकी सारी हमारी मुर्गी बीमार पड़ी है। अब इनको सबको दाना बाइंड कर दिया हमने, बंद कर दिया सबको। ये देखें ये तीन मुर्गियाँ बहुत बीमार हैं, इनके लिए अभी जाते हैं कुछ लेके आते हैं इनकी मेडिसिन वगैरह। पहले जो काम करते हैं मुर्गे पे, मुर्गे को दफनाते हैं फिर जाते हैं। ये भी अफसरदा अफसरदा बैठी हुई है कब टाइम की। मुर्गा ठीक है, सिर्फ मुर्गियाँ इनकी पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, आँख बंद कर लेती हैं बैठ जाती सो जाती हैं। मैं वापस आ चुका हूँ, रात का टाइम है, मुर्गियों को देख रहा हूँ, मुर्गियाँ फुल फुद बीमार है। अब दूसरा जो हमारा मुर्गा तो जो मर गया चुका, खतरा एक्सपायर हो गया, तो उसे उठाने के लिए आए हैं। उसे उठाते हैं, उसे फेंक के आते हैं बाहर। मान लिया ऐसे उठा के ना रख दिया इधर, इसको अब अंदर डालते हैं थैले में। कैमरा पकड़ना, वेलकम बैक टू नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल दोस्तों कल मुझसे व्लॉग नहीं बन पा रहा था, मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मुर्गा मैं देखा अपना, मेरी हालत खुद ख़राब होगी, और जिसकी वजह से मैं व्लॉग थोड़ा सा बनाया उसका एंड भी नहीं कर सका। अब सुबह नेक्स्ट डे आ गया हूँ, अभी सुबह सुबह आकर मैंने अपनी मुर्गी को ना वैक्सीन शुदा पानी डाल दिया। और यहाँ पर मैं जब वैक्सीन डाली तो मुझे एक चूहा नज़र आया, ये देखें ये जी गया। ये खरगोशों के पिंजरे में घुस जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता खरगोश हैं या चूसे हैं। ये हमारी बाकी सब मुर्गियाँ कुछ अल्लाह के करम से कुछ ठीक हो गई, बस वो दो तीन मुर्गियाँ थी वो जो आज ख़त्म हो गई, मेरा मतलब हलाल हो गई हैं, हराम ही हो गई, मुर्गा हमारा मर गया। बस एक हमारी मुर्गी ये थोड़ी सी बीमार है, ये वाइट कलर की। अभी हम इसे देते हैं इस मुर्गी को दवाई, क्योंकि ये ठीक हो जाए, मेडिसिन देंगे अल्लाह का नाम लेकर तो ये ठीक हो सकती है। अभी इसे दवाई देते हैं पकड़ कर। फाइनली यार मुर्गी मैंने पकड़ ली है, अभी इसे देते हैं मेडिसिन। मेडिसिन जो मैंने रखी हुई थी इस साइड पर रखी थी मेडिसिन, एक यहाँ पड़ी है, यहाँ पर इसे उठा लें। एक मेडिसिन ये आ गई, और दूसरी मेडिसिन मेरे ख्याल में मैंने इनके केज की छत पर रखी थी। दोस्तों मैंने मेडिसिन तो उठा ली है, अब मैं इनका इंजेक्शन उठा लूँ। यहाँ पर रखा था कहाँ गया, ये पड़ा था, ये उठा लिया, अभी से मेडिसिन देते हैं। फाइनली यार हमने अपनी मुर्गी को मेडिसिन तो दे दिया, और मेडिसिन देते ही वो फिर वो अपनी जगह पर चली गई। उम्मीद करूँगा कि ये हमें ना ठीक अपनी हालत ठीक दिखाएगी। और जो हमारे देसी मुर्गे थे ना, ये बीमारी फैलाई, सब कारनामे इन्हीं के हैं। खैर जो ना तो हो गया, बाकी देख हमारे पास अब थोड़ा सा सामान रहेगा, पाँच सात मुर्गे रहेगी, दो डक्स और दो रैबिट। अब इंशाल्लाह हम और चीज़ें लाएँगे, मोर वगैरह आप दूसरी चीज़ें लाएंगे। मुर्गियाँ इतनी रखें, मुर्गियों को स्टॉप कर देंगे, मुर्गियों को मुर्गियाँ ना हमसे संभाल ही नहीं जा रही। दो तीन चार चार मुर्गे ख़त्म हो गए हमारे सेटअप, तो चार मुर्गे ख़त्म होने के बाद हमारा सेटअप भी आधा हो गया। दोस्तों अब हमारे सिर्फ ये थोड़े से मुर्गे रह गए, क्योंकि चार मुर्गे नुकसान हो गया, इसलिए चार मुर्गे ना होने की वजह से हमारे सेटअप में कमी हो गई है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्लॉग में या दो तीन दिन तक अब खरगोश लाएँगे, खरगोशों में इजाफा करेंगे, क्योंकि ये मुर्गियाँ तो बच नहीं है, खरगोश मोर बतख वगैरह लाएंगे, मुर्गियों को यहीं सेटअप करना यहीं रोक देंगे। देखो ये हमारे इस खरगोशों को मारी जा रहा है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। ये देखो इसके काम देखो, ये इसे अकल है ही थोड़ा सा भी अकल नहीं है। खरगोश बेचारे अपनी मस्ती में फिर दोनों इसे तंग करी जा रहे हैं, और ऊपर से मेरा आज नुकसान भी हुआ है यार, तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, तुम्हारा तो मुझे कोई फ़ायदा। दोस्तों ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, मिस करता हूँ आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। ये तीन ही रहेगी बेचारी।